ये आप देख सकते हैं, ये आज हम स्मूथनिंग सिखाने वाले हैं अपने स्टूडेंट को। ये आपका रियल बाल है और बाद में आपको फुल फाइनल रिजल्ट दिखाने वाले हैं। बाकी अभी हम लोग क्या करेंगे, इस बाल को स्ट्रेट बाल, ठीक है, किसी का भी हम लोग बाल करेंगे, जैसे परमानेंट कोई आता है कस्टमर बोलता है मेरे परमानेंट स्ट्रेट करवाना है बाल, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसका बाल का टेक्चर देखेंगे कैसा है, और उसका बाल वेवी है कि पतला है या स्ट्रेट है कि कैसा है, ये पहले सबसे पहले टेक्चर उसके बाल का चेक करेंगे, ठीक है। मान लो किसी किसी का बाल पूरा वेवी टाइप का, जैसे हम कहते हैं मैगी टाइप का होता है, जैसे रिश्ता है उसका पूरा बाल वेवी है, ठीक है। इसमें हम लोग जो क्रीम यूज करेंगे वो हम क्या कौन सा यूज करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे स्मूथनिंग क्रीम ब्लैक कलर का, इसमें दो आता है, ठीक है, इसमें हमारा क्या है दो, इसमें डिफरेंस क्या है कि जिसका बाल ज़्यादा वेवी होगा उसको हम लोग ब्लैक वाला यूज करेंगे, ठीक, जिसका नॉर्मल होगा जैसे गायत्री का है, जैसे मान लो नॉर्मल नहीं रहा सोनम का है या हमारा हो या नम्रता का हो, ठीक है, इसमें हम कौन सा यूज करेंगे, कलर उसमें ब्लैक आएगा, हाँ इसमें जो सिंबल है कलर वो नहीं आएगा। ये हमारा स्मूथनिंग क्रीम है, ये है ब्लैक कलर, जो ब्लैक कलर है वो हार्ड होता है, ज़्यादा घुंघरेला बाल होगा तो उस पर ये वाला लगेगा, ठीक है, और जो थोड़ा सा स्ट्रेट रहेगा या थोड़ा सा घुंघरेला रहेगा उसके लिए ये ब्लू वाला सिंबल, इन दोनों पे सिंबल दिया है, देखिए यहाँ पे ब्लैक सिंबल है और यहाँ पे ये ब्लू सिंबल है, ठीक है, दोनों एक ही है लेकिन थोड़ा ये हार्ड होता है और ये थोड़ा सा हम क्या बोलते हैं सॉफ्ट बोल दें या जो भी हो, ठीक है। सबसे पहले हम इसका यूज करेंगे स्मूथनिंग का, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्रीम लेंगे, ठीक है, क्रीम लेने के बाद ये हमारे पास एक बॉल होना चाहिए और एक हमारे पास ब्रश होना चाहिए, ठीक है, इसमें हम निकालेंगे जितना यूज करना है उतना ही निकालेंगे, ठीक है, लो निकालो एकदम पूरा क्रीम होना चाहिए। अच्छा ऊपर तो नहीं, अच्छा हाँ पूरा रूप पे नहीं करना है, एक इंच छोड़ के करना है, ठीक है, स्कैल्प में नहीं लगे जाना, अच्छा पतला पतला ले, हाँ पतला पतला सेक्शन लेके ही करना है, फास्ट करना रहता है पूरा पूरा बाल में लगना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे फैला के भी कर सकते हैं, पूरा अप्लाई करो पूरा अच्छे से, कभी भी ये बाल हमको मूवमेंट नहीं करना है, जितना जैसे करोगे वैसे ही बाल का टेक्सचर आ जाएगा। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, पहले क्रीम को लगाएंगे अच्छी तरह से, पूरा मल्सीफाई करेंगे, क्योंकि तो कोई बाल में छूट जाएगा तो आधा स्टेप तुम्हारा छूटेगा, इसलिए क्या करना है पूरा अच्छे से, क्रीम कम नहीं लगाना है, जितना क्रीम लगना रहेगा उतना लगाना है, पूरा प्रॉपर तरीके से पूरा अच्छे से मल्सीफाई करो, ऐसे पूरा सीधा करो स्ट्रेट हाथ से, हाँ वैसे करो, हाँ वैसे ही, हाँ थोड़ा सा और क्रीम लगाओ, लगा के ब्रश से उसको हेलो गाइज, आप देख सकते हैं ये हमारा आज का हो रहा है परमानेंट स्मूथनिंग हेयर, और हम अभी क्या किए हैं, बाल को वॉश किए हैं, वॉश करने के बाद ड्राई किए हैं, पूरा नहीं किए हैं, 80% तक हमने ड्राई किया है, इसके बाद मैं ये स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई की हूँ, अब इसको हम रखेंगे कम से कम 25 मिनट तक और बीच में हम रीचेक करेंगे, और आपको भी मैं फुल फाइनल रिजल्ट दिखाने वाली हूँ बाद में, आप देख के मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, चेक करो कुछ अच्छा, पहले सबसे पहले क्या किया हम लोग, कम से कम इसको टाइमिंग रखे हैं 10-15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट के बाद हम इसका रीचेक कर रहे हैं, ठीक है, ये आज परमानेंट हेयर स्ट्रेट किए थे और इसमें अभी ना दूसरा लो कोई बाल देखो, दूसरा उसको नोट करो, ये पकड़ो एक बाल उठाओ इसको खींचो, ये पूरा टाइट करो, अच्छा पूरा देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे 15 मिनट तक इसको रखें, ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे बाल को,
इसका बाल में जितना इलास्टिसिटी होता है, जैसे रबर को हम लोग स्प्रिंग टाइप में करते हैं ना वैसे, तो इसको हम लोग खींचेंगे। खींचने के बाद दिखाओ, देखो स्प्रिंग टाइप का बन रहा है ना, ये हमारा क्या हो रहा है, ब्रेक बॉन्ड हो गया, ठीक है। इसका प्रोसेसिंग हमारा हो गया है। नहीं समझ में आ रहा तो एक दो और भी बाल ले सकते हो, हर जगह का चेक करना रहता है कि किस साइड का हुआ, क्योंकि जो पहले का हुआ होगा वो तो पहले हो जाएगा और बाकी जो बाद में का हुआ होगा थोड़ा सा रुक जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रोसेसिंग जो हमारा प्रोसेसिंग होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, जो हो गया होगा प्रोसेसिंग उसको हम लोग क्या करेंगे, स्प्रे बॉटल से कर देंगे, क्योंकि वो वहीं तक रुक जाएगा। करो खींचो अच्छा से, हाँ रुको रुको दो मिनट रुको, देखो हाँ ठीक है। देखो एक चलो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे भी चेक करना होगा तो आराम से चेक करते हैं। पहले क्या करेंगे, कॉम में पूरा ये जो टेल कम होता है इसको राउंड राउंड करना है, इसको पूरा प्रेस करना है, दो मिनट तक रखो इसको, एक जगह करके उसको प्रेस वैसे, हाँ पूरा प्रेस करो उसको, उसके बाद निकालो निकालो निकालो, अरे ऐसे निकालो ना, निकालो। हाँ, देखो ये वे बन गया ना, ये हमारा क्या हो गया, प्रोसेसिंग हो चुका है, ठीक है। इससे भी तुम चेक कर सकते हो, एक अपने हाथ से भी इलास्टिसिटी खींच के देख सकते हो, ठीक है। देखो कभी भी पूरा बाल क्या करना है, पूरा 90 पे नहीं करना है, पूरा इसको नीचे की तरफ करना है, ठीक है। कम से कम मैक्सिमम 10 से 15 बार करना है, ठीक है। कितना क्यूट लग रहा है, 10 से 15 बार दीदी तभी वो बाल अच्छा दिखेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये क्रीम का प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है, 15 मिनट इसके बाद हम ये कर रहे हैं बाल को वॉश करके, उसके बाद मैंने मास्क लगाया है, मास्क लगाने के बाद हम ये क्या कर रहे हैं, बाल को स्ट्रेट पूरा प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। कम से कम हमको एक बाल पे कम से कम 10 से 15 बार की हीट के हिसाब से, जैसे बाल आपका होगा बाल के अकॉर्डिंग आपको प्रेसिंग करना है। अब देख सकते हैं ये बहुत फाइन, जितना आप पतले पतले सेक्शन लेके आप करेंगे उतना ही आपका स्मूथनिंग अच्छा होगा। मतलब कि एक ही क्रीम कई लगे बाद से छोड़ देना पड़ेगा, अभी ये स्मूथनिंग नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वो था हमारा क्रीम का प्रोसेसिंग ख़त्म हो गया। इसके बाद हम क्या किए हैं, प्रेसिंग करने के बाद हम इसको देन यूज करेंगे, क्योंकि प्रेसिंग करने के बाद आपको 10 मिनट तक रखना है ड्राई हो जाए तब, क्योंकि हीट रहने के बाद हम ये क्रीम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसको हम 10 मिनट तक रखेंगे, उसके बाद ड्राई होने के बाद हम इस क्रीम को लगाएंगे। ये है हमारा न्यूट्रलाइजर क्रीम और इसको लगाने के बाद 10 मिनट के बाद हम उसको वॉश कर देंगे, और बाकी आपको फुल फाइनल रिजल्ट देखना है तो आप मेरे वीडियो में पूरे बने रहे, और बिना स्किप किए आप देखेंगे तो आपको स्मूथनिंग घर बैठे आसानी से आप सीख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आपको मेरा ये स्मूथनिंग कैसा लगा, आई होप आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हम स्ट्रेट कर दिए हैं पूरे बाल को, आप देख सकते हैं ये रियल कैसे हमने बाल स्ट्रेट किया है, और आप बिफोर भी आप वीडियो देखेंगे और लास्ट फाइनल आप रिजल्ट बताइएगा कि कैसा लगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेसिंग करने के बाद ये हीट होगा और इसको हम 10 मिनट तक छोड़ेंगे, इसके बाद हम यूज़ करेंगे न्यूट्रलाइजर क्रीम। और देख सकते हैं आप न्यूट्रलाइजर क्रीम कैसा होता है, यहाँ पर आपको टाइपिंग भी लिखा रहेगा न्यूट्रलाइजर स्ट्रेटनिंग क्रीम। अब इसके बाद हम ये क्रीम अप्लाई करेंगे इस पर, और इसको हम बस केवल 10 मिनट तक रखेंगे, इसकी टाइमिंग केवल 10 मिनट है, और इसके बाद हमको वैसे ही प्रोसेसिंग करना है जैसे मैंने स्टार्टिंग से किया है।
और इसको हम न्यूट्रलाइजर क्रीम लगा के 10 मिनट तक रखेंगे, उसके बाद वॉश करेंगे, उसके बाद प्रेसिंग, उसके बाद हम सीरम लगा के छोड़ देंगे। इसको हम सबसे पहले क्या किए हैं, पहले स्ट्रेट करके बाल को, उसके बाद हम न्यूट्रलाइजर क्रीम यूज कर रहे हैं। इसको हमको रखना है, इसकी टाइमिंग केवल 10 मिनट, इसके बाद हमको वॉश करना है, वॉश करने के बाद हमको प्रेसिंग करना है। डेट्स इनफ। हेलो गाइज, आप देख सकते हैं ये हमारा फुल फाइनल रिजल्ट होने वाला है और आपको लास्ट हम रिजल्ट दिखाने वाले हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये स्मूथनिंग, और इसका रिव्यू मैं बताने वाली हूँ लास्ट अपने वीडियोज में। हेलो गाइज, आप देख सकते हैं ये आज का परमानेंट स्मूथनिंग हुआ है और मैं पूछने वाली नम्रता से कैसा लगा आज का स्मूथनिंग करके। नम्रता, आज का स्मूथनिंग कैसा लगा? बहुत खुश करके। ये देख सकते हैं बहुत अच्छा दिख रहा है आपको, रियल ऐसे जैसे आप रियल बाल पे आप कर सकते हैं स्मूथनिंग, ऐसे इन्होंने किया है कटिंग वाले बालों पे। और आप भी कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा। मुझे तो आई होप बहुत अच्छा लगा है, फर्स्ट टाइम इन्होंने किया है, पूरा प्रोसेसिंग के साथ किया है, जैसे हम क्लाइंट पे करते हैं वैसे ही इन्होंने सेम प्रोसेस के साथ किया है। और आप देख सकते हैं ये पूरा फुल रिजल्ट, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा ये स्ट्रेट बाल। और बाय बाय, टेक केयर। आप भी कराइए क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है और वास्तव में भी अच्छा है। ये आज फर्स्ट टाइम इन्होंने किया है और आज का एक्सपीरियंस कैसा था? किसी के ठिकाने नहीं गए। गाइस, आप देख सकते हैं आज हमारा क्लास चल रही थी स्मूथनिंग परमानेंट का, और आज मेरा स्टूडेंट एक टीम है परमानेंट स्ट्रेट। और आप भी कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, इनसे पूछे हैं आज इनको करके कैसा लगा। मुझे करके बहुत 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 अच्छा लगा क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम किया था और बाल थोड़ा सा रफ था, और देखिए अभी कितना शाइन कर रहा है। ये हम आपको पूरा स्ट्रेट भी हो गया है, ये हम आपको फुल वीडियो आपको अपलोड करेंगे, फर्स्ट कैसा था हेयर और बिफोर का और आफ्टर बाल। और आप कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, इन्होंने फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा किए हैं और आपको भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।